अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस टाइम हमारे पास ये सिडार का एक इंडिकेटर है I200। तो आज हम इसकी यानी कंप्लीट कैलिब्रेशन और कंप्लीट सेटिंग सीखेंगे कि इसमें डेसिमल पॉइंट, डिवीजन, अनलोड कैलिब्रेशन, लोड कैलिब्रेशन आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको इसके कनेक्शन बताता चलूँ कि इसमें 4 पिन 4 पिन कनेक्टर लगता है। इसकी 1-2 जो है एक्सिटेशन है, 3-4 जो है इसकी सिग्नल है। तो ये इसके कनेक्शन है, ये इसका ऑन ऑफ का बटन है। और तो सबसे पहले मैं इसको ऑफ़ करूँगा, ऑन करके आपको दिखा दूँ। DC 4.5 वोल्ट बैटरी इसमें लगती है। तो इसके सेट कैलिब्रेशन कैसे है, एंटर के बटन को हमने प्रेस करके रखना है और फंस के बटन को हमने 2 दफ़ा दबाना है। तो ये सेटअप मोड में चला जाएगा। जब सेटअप मोड में जाएगा तो हमने एंटर के बटन को प्रेस करना है। ये यानी 1 ही हमने रखना है। इसके बाद फिर हमें एंटर के बटन को प्रेस करना है। ये इसकी फिल्ट्रेशन आ गई, फिल्ट्रेशन इसके 2 रखा हुआ है। ये LB ये है। उसके बाद डिवीजन आ गई, डिवीजन हमने 50 ग्राम हमने रखी हुई है। फिर हम एंटर के बटन को प्रेस करेंगे। डेसिमल पॉइंट जो है 2 हैं, यानी 2 के बाद अगर हम 5 लिखेंगे तो 50 ग्राम में, अगर यहाँ पे 1 लिख देंगे तो ये 500 ग्राम में चलेगा। तो अभी ये डेसिमल पॉइंट जो है इसका 2 है, यानी 2 डिजिट हैं और एंड वाला डिजिट जो है 500 ग्राम, फिर 100 ग्राम, 150 ग्राम इस तरीके से ये बताएगा। तो फिर हम एंटर के बटन को प्रेस करूँगा। इसकी ये फुल कैपेसिटी आ गई, फुल कैपेसिटी इस टाइम हमने 200 kg रखी हुई है। अगर आपने चेंज करना है तो ये राइट एरो यानी ये 0 का बटन है, 0 की मदद से हमने ये आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूँ, ये 0 का बटन है और ये फन का बटन है। फन के ऊपर तीर का निशान ऊपर वाली साइड पे है, 0 के ऊपर राइट साइड पर है। तो ये 0 से राइट साइड पर हमने होना है। और फंस की मदद से अगर हमने 300 kg कैपेसिटी रखनी है तो यहाँ पे हमने 300 कर देना। तो अभी ये 200 kg ही कैपेसिटी है इसकी, तो मैं इसकी 200 kg कैपेसिटी कर दूँगा। एंटर के बटन से नेक्स्ट डिजिट के ऊपर जाएंगे। ये कॉल 0 आ गई, कॉल 0 जो है ये इसकी 0 कैलिब्रेशन है। जब कॉल 0 आएगा तो हमने प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई चीज नहीं रखनी, प्लेटफॉर्म को हमने 0 रख कर देने हैं और एंटर के बटन को प्रेस करेंगे। जब एंटर के बटन को प्रेस करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर स्पैन लिखा हुआ आ गया, यानी स्पैन वेट। अब हमने वो वेट जिसका हमने वजन पता है वो हमने प्लेटफॉर्म के ऊपर रख देना है। इस टाइम हमारे पास 3 kg का डेड वेट है, ये 2 kg का ये है और 1 kg ये है। तो मैं 3 kg प्लेटफॉर्म के ऊपर रख दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर एंटर के बटन को प्रेस करूँगा। तो यहाँ पर हमने स्पैन वेट की वैल्यू लिखनी है। यहाँ से हमने इसको 2 को हमने 200 है तो उसको 0 कर दिया। यहाँ से हमने इसको 3 कर देंगे, यानी 3.00, यानी 3 kg इसकी कैपेसिटी है। उसके बाद हमने सिंपल एंटर के बटन को प्रेस करेंगे तो ये इसको सेंस करेगा, वेट की ऑप्शन दे रहा है और यहाँ पर एंड आ गया है। तो इसकी कैलिब्रेशन कंप्लीट हो गया। हम दोबारा मैं एंटर के बटन को प्रेस करूँगा, यहाँ पर 3 kg लिखा हुआ आ गया है। तो आप ये देख सकते हैं 3 kg ऊपर रखा हुआ है, यहाँ पर भी 3 kg शो कर रहा है। अब मैं 1 kg को यहाँ से हटा देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 kg आ गया है। अगर मैं 2 kg को भी यहाँ से हटा देता हूँ, प्लेटफॉर्म इस टाइम 0 है तो यहाँ पर भी 0 आ गया है। अब मैं 1 kg को एक दफ़ा दोबारा रखता हूँ तो ये आप देख सकते हैं 1 kg भी एक्यूरेट हमें बता रहा है। 2 kg को ऊपर रखता हूँ तो 2 kg भी हमें, यानी 3 kg टोटल बन गए हैं, तो 3 kg हमें एक्यूरेट बता रहा है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आप लोगों को L200 जो कि फिडार का इंडिकेटर है उसकी कैलिब्रेशन समझ लग गई होगी। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स करके हमें पूछ सकते हैं। अगर आप लोग कोई नया स्केल परचेज करना चाहते हैं तो ऊपर हमारा नंबर दिया गया है, आप लोग अच्छी कीमत में हमारे से ले सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलूँ कि हमारे चैनल में हर तरह के वेइंग स्केल की कैलिब्रेशन, वेइंग इंडिकेटर की रिपेयरिंग, लोड सेल रिपेयरिंग, हर तरह के इंडिकेटर की कैलिब्रेशन, लोग वेइंग स्केल में किस तरह से चीटिंग करते हैं, वेइंग स्केल की प्राइस, और आप लोगों को वेइंग स्केल से रिलेटेड किसी किस्म का भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग हमारे से यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में न्यू हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन के ऊपर फौरन क्लिक करें और साथ साथ बेल आइकन के ऊपर क्लिक करते हुए नोटिफिकेशन के ऊपर भी क्लिक करें। उससे ये होगा कि हम जो भी न्यू वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को फौरन मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप लोगों को वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हासिल हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम लोग जो आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं हमें पता लगे कि आप लोगों को इससे फायदा भी हो रहा है या नहीं।